एग्रो विजन 2019 में आप सबके बीच उपस्थित होने की अत्यंत अभिलाषा होते हुए भी मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के इतिहास में और नागपुर शहर के जीवन में बहुत महत्व रखता है। इस कार्यक्रम के पीछे हमारे देश के वरिष्ठ मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सहित आसपास के क्षेत्रों के हजारों किसान भाग लेते हैं, नई तकनीक को सीखने में उन्हें मदद मिलती है, एक दूसरे के साथ विचार साझा करने के लिए यह मंच निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होता है। यह कार्यक्रम नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में अनेक वर्षों से आयोजित हो रहा है और इसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को कृषि के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मिल रहा है। मुझे इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए माननीय गडकरी जी ने भी कहा था, लेकिन आज लोकसभा चल रही है और राज्यसभा में मेरे मंत्रालय का प्रश्नकाल होने की वजह से मैं आप सब के मध्य उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सब ने यह महसूस किया ही होगा कि गत 5 वर्षों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं जो किसानों के लिए लाभप्रद हैं, कृषि के क्षेत्र को उन्नत करने वाले हैं और कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय निरंतर काम कर रहा है। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयीन कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सभी मंत्रालयों से विचार विमर्श किया, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले बंधुओं से विचार विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को सौंप दिए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में अनेक सुझाव दिए हैं, जिनमें फसल की उत्पादकता में सुधार, पशुधन की उत्पादकता में सुधार, किसान के उत्पादन में आने वाली लागत में बचत और फसल की सघनता में वृद्धि, कृषि के साथ साथ गैर कृषि व्यवसाय को भी बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर बल देना। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। पिछले दिनों आप सब ने अनुभव किया होगा, आज हमको इस दृष्टि से निश्चित रूप से परिणाम भी दिखाई देता है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लगातार सरप्लस होते जा रहे हैं और आज भी देखें तो 2013-14 की तुलना में 8.40% की खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि है। दलहन में हम एक समय कमजोर थे, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता के कारण और सरकार की कृषि हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज यह सुनिश्चित हुआ है
कि दलहन के क्षेत्र में 20.31% वृद्धि हुई है। बागवानी